Good morning, dear student. We are going to start our chapter. This is our chapter 6 of 6 for class 2. Our class, this is a poem, okay? Today, we are going to start our poem. Firstly, who wrote this poem? By Brizzy Franco, okay? Brizzy Franco is the writer of the, is the poet of this poem. What is the name of the poem? Our classroom, okay? For class 2. Let's start our poem. The chair has arms, the clock a fish, the kite have long and thrilling trails, the tacks have heads, the books have spins, the toolbox has a set of nails. Our shoes have trunks, the marbles eyes. तो इसमें क्या बताया कि हमारा क्लासरूम में जो चीज होता है, हमारे जो क्लासरूम में बहुत सारे चीज होते हैं, लाइक अ चेयर, लाइक अ डस्टर, लाइक अ चॉक, लाइक अ स्केल, लाइक अ पेपर पिन, लाइक अवर शूज, ऑल थिंग्स एंड बुक्स ऑल्सो. तो ये सारी चीज को क्या बताया, चेयर को क्या है, आर्म है, चेयर को आर्म्स है, चेयर में आर्म्स लगे हुए, इट मीन्स की बाह लगे हुए हैं. क्लॉक का एक चेहरा है, एक फेस है, किसका, क्लॉक का, जिसपे हम लोग टाइम को रीड करते हैं. और ट्रिली टेल्स है, किसका, काइट का. तो काइट भी जो काइट की तरह, ये काइट को देखो आप, उसका क्या टेल कैसा होता है, डेकोरेटिव यहाँ टेल दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने देखा भी है पहले काइट को. और ट्रैक्स ऑफ हेड है, फिर है बुक्स को क्या, स्पाइनल क्या हुआ है, बुक्स स्पाइंस क्या हुआ है, स्पाइन क्या हुआ है, इट मीन्स कि स्पाइनल मतलब बुक को जो हम ऐसे जो बुक को बांधते हैं लाइक दैट, ये वाला जो पोर्शन होता है, स्पाइंस जो होता है, स्पेस जो होता है वो, द टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे क्या रखे हैं, नेल्स के सेट्स रखे हुए हैं, ओके. आवर शूज हैव टंग्स, और हमारे शूज में क्या होता है, उसका जिप होता है ना, जो हम लोग जहाँ पे सूलेस को बांधते हैं वो. आवर एंड द मार्बल साइज, और इसमें बता रहा है पोएट, बताने की कोशिश कर रहे हैं मार्बल को क्या, आई है, वो जो छोटा सा मार्बल होता है ना ट्रांसपेरेंट, उसमें. द वुडन डेस्क हैज लेग्स एंड सिट्स, और वुडन डेस्क में क्या है, लेग्स बने हुए हैं फोर. विदाउट लेग्स होंगे क्या, नहीं होंगे, ठीक है. और द कप्स हैव लिप्स, और कप में क्या है, लिप्स हैं. माई वॉच हैज हैंड्स, और मेरे वॉच को क्या है, हैंड्स हैं. द क्लास रूम रूलर्स ऑल हैव फीट्स, और जो रूलर रखा हुआ है, जो रूल्स रखा हुआ, रूलर्स रखा हुआ, इट मीन जो स्केल रखा हुआ, जो मेजरमेंट करने के रखा हुआ है, उसको क्या है, उसमें क्या है, फीट है. हेड आर्म्स हेड एंड नेल स्पेंस लेग्स फीट टेल्स फेस लिप टंग्स आईज. व्हाट अ सरप्राइज, और ये सारी चीज कितना सरप्राइज करते हैं, मतलब कि ऑल थिंग्स आर सरप्राइजिंग अस. Is our classroom alive? इससे क्या पता चलता है कि हमारा क्लासरूम क्या है, अलाइव है, क्योंकि ये सारे तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ओके. आईज होते हैं, फिर टंग्स होते हैं, फीट होते हैं, लेग्स होते हैं, ये सारे चीज फेस होते हैं. तो ये जो चीज़ हम लोगों को सरप्राइज कर रहा है, ये कहाँ होते हैं, ये सारे इसमें होते हैं, ह्यूमन बींग्स में होते हैं. दैट्स वाई द पोएट से दैट कि आवर क्लासरूम इज अलाइव. हमारा क्लासरूम कैसा है, पूरी तरह से अलाइव है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, जिस डेस्क पे हम, जिस बेंच पे बैठते हैं, उनमें भी फोर लेग्स लगे होते हैं. अगर नहीं लगे होंगे तो फिर हम बैठेंगे कैसे ना, और वो जो बेंच होगी उनमें भी लेग्स लगे होंगे, और फिर जो वो जो पिन होगा उसका भी नेल होगा, तो पिन का नेल, तो नेल लाइक दिस, तो उसमें भी नेल होगा, तभी तो हम उसको उसको पिन को फिक्स्ड कर पाएंगे. पेपर को फिक्स्ड कैसे कर पाएंगे उस पिन के थ्रू, जब उसमें नेल होगा. तो ये सारी चीज़ें, ये बातें हम लोगों को क्या बता रही हैं, हम लोगों को ये बातें बता रही हैं कि ऑल थिंग्स आर अलाइव इन आवर क्लासरूम.
दैट्स व्हाई पोएट्स से दैट ये सारी चीज जो कि एक ह्यूमन बॉडी में होता है, जो हमारे बॉडी में, जो आपकी बॉडी में नेल्स है, फेस है, लेग्स है, आर्म्स है, और फिर टंग है, ये सारी चीज कहाँ होते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं. दैट्स व्हाई पोएट सेड दैट द आवर क्लासरूम इज अलाइव. ओके, दिस इज योर पोयम. प्लस नेक्स्ट डे, बाय. नेक्स्ट डे फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे. हैव अ नाइस डे. बाय.